गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी में हमारा अध्याय 4 चल रहा है, अधिक बलवान कौन। आज भी हम इसके बुक के ही क्वेश्चन करेंगे जो बुक में आपके पीछे एक्सरसाइज दी हुई है। तो इसकी हेडिंग है ताकत की बात। इसमें ताकत की बात कही गई है, तो हम देखेंगे इसमें किसकी ताकत की बात कही गई है। तो पहला देखते हैं, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो क्या किया था हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए? हमने कहानी में पढ़ा था ना कि हवा बहुत जोर जोर से बहने लगी या चलने लगी। हवा जोर जोर से बहने या चलने लगी। उस आदमी का कोट उड़ने लगा था ना जब हवा बहुत जोर जोर से चलने लगी थी। तो इसी तरीके से अब दूसरा देखते हैं, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वो बहुत जोर से तपने लगा, वो बहुत गर्म हो गया था, जिसकी वजह से आदमी ने अपना कोट उतार दिया था। तो सूरज ने क्या किया अपनी ताकत दिखाने के लिए? बहुत जोर से वो तपने लगा था। अगला देखते हैं, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। जैसे हमने पहले और दूसरे में पढ़ा कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, इसी तरीके से इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे। जैसे पहला पानी, तो पानी बहुत जोर से बरसेगा। जब पानी बहुत जोर से बरसता है तो जगह जगह पानी भर जाता है ना, सब कुछ बंद हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। तो पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? जोर से बरसेगा। दूसरा है बादल, बादल जोर से गरजेंगे। बादल जब बारिश के समय बहुत जोर जोर से गरजते हैं ना, डरावनी सी आवाज निकालते हैं, तो बादल जोर से गरजेंगे। तीसरा है पहाड़, पहाड़ रास्ता रोक लेते हैं, पहाड़ की वजह से रास्ता रुक जाता है और लोगों को घूम के लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। अगला है सर्दी, ये आपको बच्चों खुद करना है, ये आपका होमवर्क है कि सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगी। ये अब आपको अपनी मर्जी से लिखना है, यही आज आपका होमवर्क है। आपको साफ साफ इसे अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। ओके, ध्यान से देखिए इसे। गुड लक।